सो मैं चाहता हूँ कि बच्चे हमारे एक्सपोज हों, सिक्योरिटी कम हो और उनको मैनर्स के पता हो, उनको पता हो कि सर्टेन पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे खास ग्रूमिंग 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 मैं क्रैश कोर्स कराता इनको इंग्लिश के, इनको पढ़ाता, इनको खिलाता, इनको समझाता। इंसान बीमार नहीं होता, पाकिस्तान की टीम बीमार करती है। ये सारी दवाइयाँ जो है ना, ये रात से ले रहा हूँ, ये सारी दवाइयाँ इधर पड़ी हुई है, ये रखी और दवाइयाँ पड़ी हुई है, ये सारी जितनी भी दवाइयाँ यहाँ पे, ये आज मैं कोई पिछले 6 घंटे से ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि नींद आ जाए, सुकून आ जाए, लेकिन इस टीम ने सुकून नहीं लेने देना। Wonderful, wonderful win. You must be pretty happy, although a little relieved, I think. Definitely. We are relieved. We are... अरे कहना क्या चाहते हो? Trying to good cricket, but credit to Netherlands cricket. As a man said, you're a world-class player. A word on his innings. That was a lovely century. Definitely is a lovely century because of wicket is double pace, so ball not coming properly. So that's why we are... मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं। टारगेट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ये कहा है मोहसिन नकवी साहब ने, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। आपको याद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी 2 साल के लिए कोचेज अनाउंस किए हैं, जिसमें गैरी क्रिस्टन है और जैसन गिलेस्पी हैं। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही रहा है, बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और गैर मुल्की कोचेज का चोली दामन का साथ रहे ना रहे, तानों का साथ जरूर रहता है। इससे वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और वर्ल्ड कप में फिर वर्ल्ड की जो टॉप टीम्स होती हैं वो सारी आती हैं, तो वो टॉप टीम्स इसलिए होती हैं कि उनकी बैटिंग, बॉलिंग, उनकी फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। और अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो ऑनेस्टली मेरे ख्याल में हमें बहुत सीधे अल्फाजों में बात करूं तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी हमें, स्पेशली अगर हम इन पिचेस के ऊपर, और इतने एक्सपीरियंस बॉलर भी नहीं थे न्यूजीलैंड के, और हम ये कह रहे हैं कि हम 170 180 रन हमारे लिए ठीक है। तो आप न्यूजीलैंड के बच्चों से इस सीरीज में 2-2 हो, ये सीरीज आप न्यूजीलैंड के बच्चों से अपने घर में नहीं जीत सके, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। इंडिया की ए टीम होती है, साउथ अफ्रीका बाकी जगह जाके जीतती है, और आपकी एक ये फुल स्ट्रेंथ टीम है कि जो घर में आई हुई टीमों से हारती है। पहले तो न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट और न्यूजीलैंड की जो नया टैलेंट है उसकी तारीफ बनती है, कि अगर ABC टीम भी अगर भिजवाई है तो जिस तरीके से वो खेले तो बड़ा क्रेडिट जाता है उनको, उनके क्रिकेट के सिस्टम को। जहां तक हमारा ताल्लुक है सवेरा, हमारे ख्याल में मैं समझता हूँ कि बड़ी नेगेटिव अप्रोच है हमारी बैटिंग को लेके। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट प्लेयर चैनल पर। दोस्तों आप सबको पता होगा कि आज फॉर्मल अनाउंस हो गया है, पाकिस्तान टेस्ट मैच के लिए जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे जैसन गिलेस्पी रहेंगे कोच, और गैरी कास्टन वनडे के लिए कोच रहेंगे। और पाकिस्तान गैरी कास्टन को इसलिए चुना है क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि गैरी कास्टन 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीते थे तो शायद पाकिस्तान का टीम का फ्यूचर भी बदल जाए, लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ हमेशा यह प्रॉब्लम रहता है, उनके कोच अलग जोन में बातचीत करते होते हैं, मतलब इंग्लिश में, और उनके प्लेयर को कुछ समझ में नहीं आता। और इस बात को लेकर पाकिस्तान के बोर्ड ने यह डिसीजन लिया है जो उनके प्लेयर हैं उनको इंग्लिश पहले मतलब सिखाया जाएगा। हालांकि आर्मी ट्रेनिंग तो दिया ही है, लेकिन इस सीरीज में तो अभी काम नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप आ गए हैं, उनका मेन मकसद है वर्ल्ड कप जीतना, जीते तो साइड में, अगर जीते जाते हैं, हालांकि जीतेंगे नहीं, लेकिन जब वो टूर्नामेंट में जाते हैं उनका मेन मकसद रहता है कि इंडिया को हराना है। और अब तक तो बड़े 50 वर्ल्ड कप में ऐसा हो नहीं पाया है, लेकिन 6-7 महीने पहले इंडिया में उनका हाल हुआ था, अब वो नहीं चाहते कि स्टडीज में हो, इसलिए कोच अच्छे सिलेक्ट किए हैं और वो चाहते हैं कि उनका प्लेयर इंग्लिश ट्रेनिंग ले, लेकिन जो कोच उनको सिखाया है वो ठीक ठाक समझकर भारत को मैच में हरा दें, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। आप आखिर तक वीडियो को एंजॉय करिए और सबके रिएक्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद। ठीक करना पाकिस्तान क्रिकेट को फॉर वंस। अभी आप देख लें कोई कैरेक्टर नहीं टीम में, कोई उनमें बात करने का तरीका को नहीं, ना वो प्रेजेंटेशन में बात कर सकते हैं। हाउ ऑकवर्ड दैट लुक्स दैट इवन दे कम्स टू प्रेजेंटेशन, हाउ ऑकवर्ड। और कितना के मुश्किल है यार कि इंग्लिश सीखना और बात करना यार। सो यू गॉट टू हैव सम काइंड ऑफ एजुकेशन, ग्रूमिंग, पाथवेज, गोल्स, ट्रेनिंग, उनको समझाना कि हाउ टू बिकम अ सुपरस्टार। मैंने 2-3 बड़े, मैं नाम ही लेता, 3-4 मैंने लड़कों से पूछा, मैं कहा डू अंडरस्टैंड द ब्रांड प्लेसमेंट, जैसे मैं अभी को आपको समझा रहा था ब्रांड प्लेसमेंट क्या होती है, कि हाउ डू यू अलाइन द ब्रांड विद द ब्रांड प्लेसमेंट, और उसकी प्लेसमेंट कैसे होगी, वो कहाँ दिखेगा, क्यों दिखेगा, कब दिखेगा। उन्होंने कहा सर ये आप क्या बातें कर रहे हैं। पहले भी जब भी गैर मुल्की कोचेस रहे हैं ये बात सुनने को मिलती है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बात समझ नहीं आती क्योंकि इनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। और बाबर आजम पर भी बहुत ये बातें कसी गई हैं कि वो कप्तान हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश नहीं बोलते, अब वो इंग्लिश क्वेश्चन का जवाब इंग्लिश में ही देते हैं।
वो जैसे भी हो बट काफ़ी हद तक वो अपने को कंफर्टेबल फील करते हैं कि वो इंग्लिश के अंदर ही जवाब दें। और आज चेयरमैन पीसीबी से सवाल हुआ कि आपने कोचिज तो दो रख ली हैं गैर मुल्की, मगर क्रिकेटर्स को इंग्लिश नहीं आती और इनको वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो उन्होंने पहला बोला कि भाई नहीं आती तो उनको सीखनी पड़ेगी, साफ है उनको सीखनी चाहिए। वो उनका इशारा इस तरफ को था कि दुनिया कहाँ जा पहुँची है, जैसे इंडियन क्रिकेटर्स हैं ऑलमोस्ट सभी के सभी इंग्लिश बोलते नहीं बल्कि शानदार इंग्लिश बोलते हैं, और उन्हें का उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी इंग्लिश बोलना सीखनी चाहिए, उनको सीखनी पड़ेगी, और इस बीच में यानी जब तक वो सीख नहीं लेते तब तक ट्रांसलेटर के तौर पर अजहर महमूद जो कि मोमन कोच हैं दोनों बड़े कोचेज के, यानी गैरी क्रिस्टन के भी वो मोमन कोच होंगे और जैसन ग्लिस्पी के भी वो मोमन कोच हैं, तो वो ट्रांसलेटर के तौर पर काम करेंगे और जिस पाकिस्तानी क्रिकेटर को उनकी इंग्लिश समझ नहीं आई वो करके बताएंगे। वैसे मुझे याद है इससे पहले जब पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलने गया था, इस सीरीज की बात नहीं कर रहा, इससे पहले जब गया था तो पाकिस्तान ने वहाँ पर एक ट्रांसलेटर रखा था कप्तान बाबर आजम के लिए कि वो जो सवाल उनसे पूछा जाएगा और वो उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश के साथ अवेयरनेस रहेगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये काम किया था। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने लिए अगर क्रिकेट बोर्ड उनको हेल्प आउट कर सके तो वो इंग्लिश जरूर सीखें। जी कितनी शर्मिंदगी का जो है ना मकाम है। मैं आप वो सीरीज जिसमें बोला था हम ट्राई करेंगे, नए लड़के ट्राई करेंगे, कप्तान भी बैठेगा, वहां पूरी सीरीज कप्तान नहीं बैठा, वहां आपको शाहीन को वापस लाना पड़ गया, वहां आपको न्यूजीलैंड के बच्चों का गैस अपनी टीम स्ट्रांग करनी पड़ेगी, आपने हर जगह का जोर लगा दिया कि भाई इन बच्चों से नहीं हारना, फिर भी आप एंड में कहां तक मैच लेके गए और ये बच्चों की अनमैच्योरिटी थी कि आपका इस मैच के साथ ये हाल हुआ, और आज ये हकीकत है आप न्यूजीलैंड के बच्चों को नहीं हरा पाए और आप वर्ल्ड कप में क्या करोगे आगे जाके भाई जान। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि वो दो मैचेस आपसे जीत लेते हैं, एक पिंडी में और एक लाहौर में, एक होता है पिंडी में जीत जाते हैं लाहौर में नहीं जाते, जीत जाते किसी एक ट्रैक में, वो आपको दोनों जगहों पर हरा के गए। आज बाबर आजम साहब मौसूफ ने पाकिस्तान की तरफ से हाई स्कोर बैट्समैन है 44 बॉल 69 रन। आप पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट का और दुनिया में जो टी20 क्रिकेट हो रही है उसका आप मुकाबला करो, बाबर आजम ने मारे 44 बॉल 69 और उधर आईपीएल में 27 बॉल 84 मारे हैं दिल्ली के ओपनिंग बैट्समैन ऑस्ट्रेलियन ने जैक ने, मतलब जैक फ्रेसर ने 27 बॉल 84 रन मारे, बाबर आजम ने 44 बॉल 69 रन मारे। ये कितना बड़ा ब्रांड का गैप है। आप चलो जैक को तो छोड़ो, आप संजू सैमसन की बारी देख लो, ऑलमोस्ट 33 बॉल 71 रन की मैच विनिंग वो बारी खेल के जा रहे हैं। आप साथ ध्रुव जुरेल का स्ट्राइक रेट देखो, और जो आप बाबर आजम को देखो 44 बॉल 69 रन, और जब टीम को मोस्ट जरूरत पड़ी कि बाबर आजम तुम सेट हो, बाबर आजम तुम हिटिंग करो, वहां पर बाबर आजम अपने रन मार के चले गए। ये होती है एक प्रॉपर सेल्फिश बैट्समैन की नॉक कि भाई मेरे रन हो गए अब मैं रिलैक्स हो गए, और ये होती है एक लिमिटेड बैट्समैन की इनिंग। जैसे आपने संजू सैमसन की इनिंग देखी, आपने जैक की इनिंग देखी, बड़ी बारियां भी खेली, अपनी टीम को जितवाया भी, और एक इंपैक्टफुल बारियां रही। ऑन द अदर हैंड आप बाबर आजम की बारियां देखो, एक लिमिटेड सी बड़ी टिमिड किस्म की बारी रही, और प्रॉपर टी20 के हिसाब से तो उसका दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं।